रिक्शा चलाने वाला अपनी मेहनत से न सिर्फ परिवार का पेट पाल रहा है बल्कि वो काम भी कर सकता है जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये कहानी है असम के रहने वाले अहमद अली की, जिन्होंने पैसे बचाकर वहाँ 9 स्कूल खोले हैं। अहमद अली की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी की थी। अहमद 82 साल के हैं। वह करीगंज में रिक्शा चलाते हैं। उन्होंने मधुरबंद गांव में अपने पैसों से बच्चों के लिए 9 स्कूल खोला है। उन्होंने स्कूल बनवाने की शुरुआत 1978 से की थी। स्कूल बनवाने के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी, फिर कुछ पैसे गांव वालों से लेकर उन्होंने एक स्कूल खोला। दोबारा स्कूल बनाने के लिए उन्होंने फिर यही काम किया। इसके बारे में उनका कहना है कि ये मेरा सपना है कि मैं अपने इलाके में कम से कम 10 स्कूल खोलूं। मैं एक कॉलेज भी खोलना चाहता हूं ताकि गरीब माँ बाप अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा पाए। मैं खुद गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि दुनिया का कोई बच्चा ऐसे हालात से गुजरे। उन्होंने बताया कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने गांव के बच्चों को स्कूल में पढ़ते हुए देखता हूं। ऐसा लगता है मेरा सपना पूरा हो रहा है। रविवार को मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि मैं उनकी हिम्मत की तारीफ करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।